हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें से आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट आईसीआर बीयूजी के अंदर हर बार एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर के अंदर जो विभिन्न शाखाएं होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और अपने मेटेरियोलॉजी के अंदर जो उपकरण अपने काम में लेते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपनी, पहले करते हैं अपने अध्ययन निम्न ब्रांचों के बारे में। तो पहली ब्रांच जो अपनी कौन सी रहेगी, पहली ब्रांच का अपने अध्ययन करेंगे एग्रोस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंदर घासों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन यही बनता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका, घासों का अध्ययन किया जाता है। या आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि घासों का अध्ययन कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है, तो वो आपकी एग्रोस्ट्रोलॉजी। तो ये आपकी हो गई पहली शाखा। तो अब अपने दूसरी शाखा की बात करते हैं, वो है आपकी अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं, इसमें आपको बैकग्राउंड में दिखाया भी गया है, यानी जो अलंकृत या शोभा बढ़ाने वाली शाख एवं झाड़ियां हैं उनका अध्ययन अपने अर्बोरिकल्चर के अंदर किया जाता है, जो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें शाख व झाड़ियों का अध्ययन किसके अंदर, अर्बोरिकल्चर के अंदर किया जाता है। अब अपने नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रहेगी अपनी ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ओलेरी मीन्स सब्जियां या सब्जी, तो सब्जियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, ओलेरिकल्चर के अंदर किया जाता है। तो इसमें भी आपके पहले जैसा ही क्वेश्चन बनेगा, सब्जियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, ओलेरिकल्चर के अंदर, या ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का अध्ययन। उसी प्रकार अपने आगे बढ़ते हैं ओलिव कल्चर। ओलिव कल्चर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, ओलिव कल्चर के अंदर जैतून की खेती है उसका अध्ययन करते हैं। ओलिव किसको बोलते हैं, जैतून को। तो जैतून क्या है, ऑयल वाला एक प्लांट है। तो ऑयल वाला प्लांट, इसमें आपको यहाँ से याद रखने में आसानी होगी, ओलिव मतलब जैतून और ऑयल यानी तेल वाली। तो ओलिव कल्चर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, जैतून की खेती का अध्ययन करते हैं। अब अपने अरबी कल्चर की बात करते हैं, तो अरबी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, अरबी कल्चर में फसलों का अध्ययन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फसलों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, अपने अरबी कल्चर के अंदर किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना होगा अरबी कल्चर, अरबी कल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, अरबी कल्चर के अंदर अपने फसलों का अध्ययन किया जाता है। अब अपने बात करते हैं वर्मी कल्चर की। तो वर्मी कल्चर क्या होता है दोस्तों, वर्म अपने याद रख लेते हैं, वर्म से अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है, केंचुआ। केंचुआ किसानों का मित्र होता है, ठीक है। तो इनको जो पालते हैं तो इनको पालने की क्रिया, या इनको पालते हैं तो उसको क्या, वर्मी कल्चर बोलते हैं। इनके पालने के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो केंचुओं द्वारा जो कंपोस्ट बनाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, जो खाद तैयार करते हैं उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो राजस्थान में इसकी एक प्रजाति पाई जाती है, कौन सी, आइसिनिया फोएटिका। कौन सी, आइसिनिया फोएटिडा इसकी प्रजाति अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये भी आपको बाद में जब कराएंगे तब बता देंगे, पर अभी आपको यहाँ पे इतना ही बताया जा रहा है। अभी अपने बात करते हैं सीओलॉजी की। सीओलॉजी के जैसा ये सिमिलर है सीरियोलॉजी। तो पहले अपने सीओलॉजी की बात कर लेते हैं, तो सीओलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, चाय की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप इंग्लिश में देख रहे होंगे, इंग्लिश में यहाँ पे टी लगा हुआ है, तो ये इसका साइलेंट रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे टी के प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सीओलॉजी के अंदर में किसका अध्ययन किया जाता है, चाय की खेती का अध्ययन किया जाता है। और सीरियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, सीरियोलॉजी यानी सीरियो से सीरीज यानी क्रमबद्ध, क्रमबद्ध यानी अपने फसल चक्रण का अध्ययन किया जाता है। यानी पहले अपने घास परिवार यानी ग्रेमिनिकुल की, बाद में मटर परिवार यानी लेग्यूमिनेसी, बाद में अपने कॉर्न क्रॉप्स, इस प्रकार जो अपने फसल चक्रण का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, सीरियोलॉजी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसमें ये आसान ही है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप एक या दो बार देखोगे वीडियो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं लेक कल्चर की। लेक कल्चर यानी लाख के कीट की खेती किसके अंदर की जाती है, लेक कल्चर के अंदर की जाती है। इसे क्या बोलते हैं, लेक कल्चर। ये आपको लाख का इंसेक्ट दिखाई दे रहा है और ये इस प्रकार से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस कीट का नाम है लेसिफेरा लेका। इस कीट का नाम क्या है, लेसिफेरा लेसिफेरा लेका, ठीक है। इसमें जो है आपकी इतनी बात, लेक कल्चर, लाख के कीट की खेती। अब अपने बात करते हैं पीसी कल्चर की। तो पीसी कल्चर को अपने एक्वा कल्चर भी बोलते हैं। तो पीसी कल्चर के अंदर किसका, मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। तो मछली पालन के लिए एक क्रांति भी आपने सुनी होगी, तो वो क्रांति क्या है, वो है आपकी नीली क्रांति। नीली क्रांति किसकी है, मछली पालन है तो नीली क्रांति अपने। अब अपने बात करते हैं एपी कल्चर की। तो दोस्तों एपी कल्चर, एपी मतलब एपिस यानी एपिस होती है एक प्रजाति किसकी, मधुमक्खियों की, ठीक है। तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, या मधुमक्खी पालन किया जाता है या शहद उत्पादन किया जाता है, तो वो एपिकल्चर के अंदर किया जाता है। एपिकल्चर के अंदर आपने क्या है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जो आपको यहाँ पे जो कृत्रिम रूप से डब्बों के अंदर मक्खियों को रखकर उनसे शहद प्रोड्यूस, या मक्खियों का जो इसमें मक्खियां भी अपने बता सकती हैं, जिससे अपने अन्य डिब्बे में अपने मक्खियों को रख सकते हैं। तो इसे अपने ये एक अच्छा उद्योग है एपिकल्चर, शहद उत्पादन का। अब अपने बात करते हैं मोरी कल्चर। मोरी, एम से आप याद रखना मलबेरी, मोरी मलबेरी। मलबेरी क्या होता है, मलबेरी होता है शहतूत। तो शहतूत की खेती का अध्ययन मोरी कल्चर, क्या मोरी कल्चर, मोरी मलबेरी, मलबेरी शहतूत। तो शहतूत की खेती का अध्ययन क्या है, मोरी कल्चर। अब अपनी बात करते हैं सेरी कल्चर। सेरी कल्चर के अंदर क्या है, रेशम कीट की खेती का अध्ययन किया जाता है। देखिए रेशम, तो ये देख लीजिए आपको यहाँ पे रेशम दिखाई, इसकी तीन प्रजातियां होती है, एक टेसर होती है, एक जो मूंगा होती है और एक ईरी होती है। कौन सी, एक ईरी। जो ईरी है वो कौन से प्लांट पे रखी जाती है, वो कैस्टर यानी अरंडी के प्लांट पे। और जो ये टेसर और जो मूंगा है वो क्या है, वो अपने मलबेरी के प्लांट पे उनको उनकी खेती की जाती है। तो ये आप याद रखना, सेरिकल्चर के अंदर किसकी, रेशम कीट की खेती, और मलबेरी के अंदर यानी मोरिकल्चर के अंदर मलबेरी यानी शहतूत की खेती, ठीक है। ये तो हो गया आपका, आप इसका साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि बाद में आप इसको या तो दोबारा देख लो या फिर आपके पास ये स्क्रीनशॉट रह जाएंगे। ये तो होगी ब्रांच अपनी। अब अपने बात करते हैं जो आपके विभिन्न उपकरण हैं उनके कार्य, मेटेरियोलॉजी के अंदर। पहले अपने बात करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी थर्म यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपने किससे मापते हैं, तो वो थर्मामीटर है। तो ये थर्मामीटर किस काम आता है, तापक्रम मापने के काम में आता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, या तापक्रम मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, तो क्या थर्मामीटर काम में लेते हैं। इसमें आपको परीक्षा में यही क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, 14 और बेरोमीटर। 14 बेरोमीटर किस काम आता है, ये अपने वायु दाब मापने में काम में आता है। तो ये इस प्रकार होता है, आपको दिखाया गया है। तो ये आपको याद रखने के लिए आसान सी ट्रिक है, इसका दाब, वायु का दाब, वैसे बेरोमीटर, दाब बेरोमीटर, दाब बेरोमीटर, इस प्रकार आपसे याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा। इसका कार्य क्या है, वायु का दाब, दाब बेरोमीटर, दाब बेरोमीटर, दाब मापने के लिए कौन सा बेरोमीटर काम में लिया जाता है। अब अपने बात करते हैं टेंशियोमीटर। टेंशियो, इससे अपने निकाल लेते हैं टेंशन। टेंशन यानी तनाव। तो तनाव लेनी नहीं है हमें, इसका तनाव ज्ञात करना है। तो किसका तनाव ज्ञात करना है,
मृदा की नमी का तनाव ज्ञात करने में क्या काम आता है? टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर से क्या कार्य करते हैं? तो मृदा नमी का तनाव ज्ञात करते हैं। तो ये कार्य कब तक? 0 जो है ये कार्य करता है 0.85 बार तक, 0.85 बार तक कार्य करता है। मृदा नमी क्यों ज्ञात करते हैं? मृदा नमी अपने इसलिए ज्ञात करते हैं ताकि सिंचाई का पता लगा सके। अगर सिंचाई देने वाली है यानी इसकी आर्द्रता कम है, नमी कम है, तो अपने सिंचाई देते हैं ताकि अपना उत्पादन अच्छा हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर सिंचाई नहीं देने वाली है, नमी ठीक है, तो अपने जल का बचाव हो जाएगा, इससे ये अपने फायदा हो जाता है। अब अपने विंड वेन की बात करते हैं। विंड वेन यानी वायु की दिशा। तो वायु की दिशा मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? तो जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है विंड वेन, इसके जो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसका कार्य होता है वायु की दिशा मापने में काम में आता है। और इसमें आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन में विंडवार्ड और लीवार्ड। विंडवार्ड और लीवार्ड, विंडवार्ड क्या होता है? विंडवार्ड होता है कहां से वायु आ रही है यानी इधर से आ रही है, ठीक है, और लीवार्ड यानी जाने वाली, इधर को जा रही है, इधर से तो आ रही है और इधर को जा रही है, ठीक है। तो इसमें आप ये समझ लो विंडवार्ड क्या है? आने वाली। लीवार्ड क्या है? जाने वाली, ठीक है। अभी अपने बात करते हैं एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर का क्या कार्य होता है? एनीमोमीटर का कार्य होता है वायु की गति मापने में किया जाता है। जैसे जैसे हवा की गति बढ़ेगी उसी प्रकार यहाँ पे मीटर में अपने को इसकी गति का रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, या आपने देख सकते हैं इसकी गति को माप सकते हैं। तो एनीमोमीटर किस काम आता है? वायु की गति मापने में काम में आता है। अब अपने बात करते हैं पोटोमीटर की। तो पोटोमीटर का क्या होता है? पोटोमीटर का कार्य होता है वाष्प उत्सर्जन की दर ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पत्तियों से जो भी पानी का लॉस होता है वो क्या होता है? वो होता है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन होगा तो उसका पता कैसे लगेगा? यहाँ पे क्या है, एक लेबल लगा हुआ होता है, तो उस लेबल से यहाँ पे इसमें रंगीन द्रव भरा हुआ होता है। तो जैसे जैसे यहाँ से वाष्प उत्सर्जन होगा इस प्रकार रंगीन द्रव यहाँ से आगे चला जाएगा और यहाँ पे अपने रिकॉर्ड में देख सकते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन यानी कि दर ज्ञात करने में या वाष्प उत्सर्जन ज्ञात करने में कौन सा यंत्र काम में आते हैं? तो वो पोटोमीटर काम में लिया जाता है। पोटोमीटर किस काम आता है? वाष्प उत्सर्जन की दर ज्ञात करने में या वाष्प उत्सर्जन ज्ञात करने में काम में आता है। अब अपने बात करते हैं लाइसीमीटर। लाइसीमीटर का कार्य क्या होता है? लाइसीमीटर का कार्य होता है वाष्पीकरण एवं वाष्प उत्सर्जन ज्ञात करने में काम में आता है। जो भूमि में अपने कुछ नीचे तक गहराई तक लगाया जाता है, जो वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन। वाष्पीकरण यानी खुली सतह से जो जल का उड़ जाना या जल उड़ता है खुली सतह से, तो उसको अपने बोलते हैं वाष्पीकरण। और वाष्प उत्सर्जन यानी प्लांट के द्वारा जो पत्तियों द्वारा जो पानी का लॉस होता है तो उसे अपने वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। तो उसके अपने ज्ञात करने के लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाता है? लाइसीमीटर काम में लिया जाता है। अब अपने बात करते हैं मैनोमीटर की। मैनोमीटर किस काम आता है? मैनोमीटर आपका मूल दाब ज्ञात करने में काम में आता है। मैनो एम से मूल दाब, ठीक है, यानी जड़ का दाब ज्ञात करने में। अब अपने बात करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का कार्य क्या है? यह जल की अपेक्षित घनता को मापने में काम में आता है। यह पानी की अपेक्षित घनता मापने में काम आता है। ये आपको इस प्रकार से डायग्राम दिखाया गया है, इस पर लेबल लगा हुआ है, ये डिजिटल मीटर है। तो हाइड्रोमीटर का कार्य क्या होगा? पानी का अपेक्षित घनत्व मापने में। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर आप देख लो, इसको आप समझ लो, इसके जैसा ही एक होता है पाइरहेलियोमीटर और एक ये पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर में क्या है? जो सूर्य से आने वाली कुल किरणें हैं उनको मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाइरेनोमीटर कहलाता है।
इसकी आप चेक देख लीजिए, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा, आगे वाला दिखाऊंगा तो आपको फिर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसका कार्य सूर्य से आने वाली कुल किरणों को मापने वाला ये यंत्र है, जो कौन सा है, पाइरेनोमीटर है। अब अपने बात करते हैं पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर में इसका ये देख लीजिए, इसका डायग्राम ये है। तो इसमें क्या है, सूर्य से आने वाली सीधी किरणों को मापने वाला यंत्र जो क्या कहलाता है, पाइरहेलियोमीटर। तो इसमें ये दोनों लगे हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, कौन सा ये पाइरेनोमीटर, ये है पाइरहेलियोमीटर। ठीक है, तो पाइरहेलियोमीटर इसमें आप देख सकते हो ये एक ही दिशा से जो किरण आती है, ये देख लीजिए सूर्य से आने वाली सीधी किरणें, यानी जो इसको सीधी किरणें आएगी उनको मापने वाला यंत्र तो वो कौन सा है, पाइरहेलियोमीटर। तो इसने आपको, मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा, क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये कुल किरणें माप रहा है और ये क्या है, ये अपनी सीधी किरणें जो आ रही है उनको मापने का कार्य करता है। अब हमने सनशाइन कार्ड के बारे में, सन यानी सूर्य, साइन यानी चमक। तो जो सूर्य की रोशनी है तो उसे माप, उसे ज्ञात करने के लिए या उसका रिकॉर्ड अपने देखने के लिए जो अपने काम में लेते हैं तो वो कौन सा है, सनशाइन कार्ड। तो इसमें आप ये आपको यहाँ पे उपकरण दिखाया गया है, इसमें से सूर्य से जो सीधी किरणें आती है तो यहाँ पे ये एक कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, इस पे लेबल भी लगा हुआ है, दिन में जितने घंटे प्रकाश आता है तो उस हिसाब से इससे किरणें सीधी पड़ती है, तो ये कार्ड जलता जलता इसमें जलता है, तो जहां तक जलता है तो वो अपने रिकॉर्ड उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये तो हुआ आपका सनशाइन कार्ड। सनशाइन कार्ड किस काम आता है, ये उपकरण आपका सूर्य की रोशनी ज्ञात करने के काम में आता है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, तो इसमें हमने, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने, ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता। ये इसका डिजिटल बोर्ड और डिजिटल ये हमने मीटर है वो आपका सीधा। अब अपने अल्टीमीटर, अल्टीमीटर उपकरण का उपयोग किस काम में लेते हैं, तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के काम में अपने लेते हैं। तो इसमें आपको क्या है, ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, तो वो आपका क्या रहेगा, अल्टीमीटर रहेगा। और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका रेन गेज, रेन यानी वर्षा। तो वर्षा को मापने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उसको अपने बोलेंगे रेन गेज। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, जैसे जैसे वर्षा होगी उस हिसाब से इस पे ये बाहर लगा हुआ है, जैसे जैसे इस पे पानी पानी भरता जाएगा ये दबाव आता जाएगा और जैसे जैसे ये नीचे होगा ये अपने लेवल रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, कैसी लगी आप सभी को जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।